सोल्यूशन हमें मिल जाता है इनके पास ही। हाँ सोल्यूशन इन्हीं के पास हमें मिलता है हमेशा। कह रहे हैं कि गंगा किनारे आते हैं और सोल्यूशन मिलता है परेशानियों का, ये है ना इनका अनुभव है। गंगा जी के पास काफी सुकून है, आप कभी भी आइए चुपचाप बैठिए, गंगा जी क्या सिखाती है, निरंतर बहते रहो। केस में जाएंगे आप गंगा किनारे, बनारस में जाएंगे आप, कहीं भी गंगा किनारे जाएंगे तो वहाँ पे रिवर राफ्टिंग या बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम भी यहाँ पे कुछ डेवलप करें। जैसे बाढ़ आता है नदी में तो हर घास अपना घर को छोड़ के, हर लोग अपने घर को छोड़ के बह जाता है, लेकिन फिर उन्हें हिम्मत होता है कि फिर से वो उस चीज उसी जगह जाके फिर उग जाते हैं और फिर बन जाते हैं। इसी तरह सबको जीना चाहिए। कभी कभी मौका मिलता है, एक्चुअली मैं हर साल आती हूँ, हर बारिश में आती हूँ। हाँ जी जरूर, हर ऐसे ही मुझे गंगा जी के पास आना अच्छा लगता है, अपनी सारी बातें इनसे कहना अच्छा लगता है। हम लोग हमेशा आते हैं, अपने जब भी कोई परेशानी में होती है यहाँ जरूर आती हूँ। और आज भी उनको देख के, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरा बच्चा है, बुलाइए उनसे भी बात करेंगे, जरूर पूछिए। आपसे भी थोड़ा बात कर लेते, देखिए क्योंकि हम एक बार जा चुके हैं, अगर हम उधर गए तो पानी में मुझे भीगना पड़ेगा, इसलिए मैं उधर जा नहीं रहा हूँ। और ये आपका बेटा है? हाँ। एंजॉय कर रहे हो? अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके? आओ इधर आओ, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत। थैंक यू कहोगे मम्मी पापा को? थैंक यू मम्मा पापा। सो स्वीट। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अरे दोस्त ऐसा है, मैं पिछले 25 सालों से गंगा जी घाट पे आ रहा हूँ और पानी इस बार तो पहले की अपेक्षा ज्यादा ही है। पापा। थोड़ा यही था। हाँ चलिए ठीक है यार, ये अच्छा चीज है, कम से कम इसी बहाने में गंगा जी का जितना भी पानी है सब खेत खलिहान जितना घाट उठे सब साफ हो जाएगा। अभी तो पानी गंदा है लेकिन आने वाले समय जब बाढ़ रुकेगा तो सारा गंदा पानी बैठेगा, गंगा जी साफ हो जाएगी। बस ये हमें अपना ख्याल रखना है कि गंगा जी साफ रहे। साफ है ये बहुत जरूरी हो जाता है, देखिए गंगा जी है तो हम है। हाँ। गंगा खत्म हम खत्म, ये बड़ा मैसेज दे रहे हैं। और एक चीज और है कि गंगा मुझे सबसे खूबसूरत इसी महीने में लगती है, पानी से भरा हुआ नदी कितना, मतलब कि देखने से ही एकदम मन को बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी चीज को जब जवानी चढ़ती है ना तो अच्छा लगता है, गंगा जी का भी जवानी है। हाँ। और गंगा जी को आप देखो यहाँ से वहां तक पार्ट, ये चैलेंज करता है हर एक बिहारी को। हाँ। कि ऐसे ही कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कोई संसाधन नहीं है बिहार में फिर भी अपने परिश्रम को छोड़ना नहीं चाहिए, वेट करो अच्छे समय का, जैसे गंगा जी खिली है वैसे बिहार भी खिलेगा। एक मैसेज क्या करते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला मूलतः पटना का हूँ, वैसे गाँव मेरा छपरा में है और मैं सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हूँ। गंगा जी से बहुत लगाव है तो लगभग सप्ताह में दो बार तीन बार यहाँ आ ही जाता हूँ। आपकी पत्नी जी भी कह रही थी कि गंगा जी से उनका भी लगाव है। तो शादी के बाद हुआ है, इनके साथ आते आते मेरा लगाव ज्यादा हो गया। अच्छा, इनकी वजह से आपका लगाव हुआ? हाँ, क्योंकि पहले मेरा आना जाना बहुत कम होता था लेकिन इनसे शादी के बाद मेरा लगाव ज्यादा हो गया। साथ में आते हैं, हम लोग कभी परेशान होते हैं तो यहाँ आके ये भी अपनी बात कहते हैं, हम भी अपनी बात कहते हैं, हम लोग सॉल्व आउट हो जाते, फिर चले जाते हैं घर आराम से। सोल्यूशन हमें मिल जाता है इनके पास ही। हाँ सोल्यूशन इन्हीं के पास हमें मिलता है। कह रहे हैं कि गंगा किनारे आते हैं और सोल्यूशन मिलता है परेशानियों का, ये है ना इनका अनुभव है। हाँ, गंगा जी के पास काफी सुकून है, आप कभी भी आइए चुपचाप बैठिए, गंगा जी क्या सिखाती हैं, निरंतर बहते रहो, बी पॉजिटिव, कभी हारो मत, निरंतर बढ़ते रहो, बहते रहो, आपका समय आएगा, अच्छा समय आएगा। और जब अच्छा समय आएगा थोड़ा सा सरकार को यहाँ पर्यटन को नहीं, पूरा पर्यटन को थोड़ा सा अगर बढ़ावा देते या थोड़ा और क्योर करते तो पटना और भी सुंदर होता, क्योंकि पटना में अभी ज्यादा कुछ है नहीं। जो लोग बाहर से आना चाह रहे हैं, रह रहे हैं पटना में, क्या है घूमने के लिए, कहीं कुछ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। थोड़ा पर्यटन की दृष्टि से भी गंगा जी को थोड़ा सा इसको उपयोग करना चाहिए हम लोग को। लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने मरीन ड्राइव भी बनाया और ये पुल भी देख रहे हैं उन्हीं की सौगात है, ये घाट जहाँ हम खड़े हैं पहले तो आप कह रहे हैं कि 25 साल तो ये तो सब उन्हीं का ही है। हाँ थोड़ा और जैसे कि अगर पॉइंट क्या है ना, हमें रुकना नहीं है ना, रुकना नहीं है, चलती रहना माँ गंगा की। आप ऋषिकेश में जाएंगे, आप गंगा किनारे बनारस में जाएंगे, आप कहीं भी गंगा किनारे जाएंगे तो वहाँ पे रिवर राफ्टिंग या बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। हम लोगों को चाहिए कि हम भी यहाँ पे कुछ डेवलप करें। गंगा किनारे बनारस में बहुत सारे लोगों का घर चलता है, बसता है, हम लोगों का भी घर चल सकता है। अभी मरीन ड्राइव बना तो कम से कम 2000 दुकानें वहाँ लगी है, लोगों का घर चल रहा है। गंगा जी में भी हम लोग को तलाश करना चाहिए अवसर। बिल्कुल, थोड़ा विकास थोड़ा डेवलपमेंट की चाहत और रखते हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो नदी की धार की तरह होती है, बहते ही रहना चाहिए स्वतः, रुकना नहीं चाहिए, कभी नहीं रुकना चाहिए। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए आपका कोई मैसेज कुछ कहना चाहती हैं, कोई बात कोई मन में रह गई होगी इस खूबसूरत? नहीं कोई बात नहीं है, बस एक कहना है कि जैसे बाढ़ आता है नदी में तो हर घास अपना घर को छोड़ के, हर लोग अपने घर को छोड़ के बह जाता है, लेकिन फिर उन्हें हिम्मत होता है कि फिर से वो उस चीज उसी जगह जाके फिर उग जाते हैं और फिर बन जाते हैं। इसी तरह सबको जीना चाहिए, परेशानी सबकी ज़िंदगी में है लेकिन आप घबराइए मत, परेशान मत होइए, इनको देख के सुकून से आँख बंद कीजिए और प्रणाम कीजिए और कहिए कि मैं आपकी, अगर हमें औरत हैं हम
अगर हमें शक्ति दीजिए तो अपनी तरह दीजिए कि हम हर चीज को मैनेज करते हुए खुश होते हुए बहते रहे। चलिए, खुश होकर हम माँ गंगा की पानी की तरह जो है वो बहते रहे, ये कहना था। तो लोग अपने अपने हिसाब से जो है वो माँ गंगा को देखने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा इस वक्त भले ही कहने को खतरे के निशान को पार कर गई हैं, और मेरा ये अनुभव है कि आधे घंटे से मैं हूँ और लगातार पानी जो है वो धीरे धीरे और बढ़ ही रहा है, लेकिन फिर भी खूबसूरती निहारने लायक है। लोग और खासकर यूथ जो है यहाँ पर आ रहे हैं और इस खूबसूरती को निहारने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।